आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान खबरें सबसे तेज। सरस घी पैक में रिफाइंड तेल, जयपुर सरस डेयरी के उत्पाद किस सवालों के घेरे में। सरस घी अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, बाजार में सरस घी के नाम पर कुछ मिलावटी कारोबार। सरस के फर्जी पैकेट में रिफाइंड तेल बेचे जा रहे हैं, ऐसे एक मामला का खुलासा जयपुर के खातीपुरा इलाके में जसवंत नगर में हुआ है, जहां एक किराना स्टोर पर खरीदे घी को लेकर हुआ है। एक उपभोक्ता ने जब घी का पैकेट खरीदा, घर जाकर खोला तो हैरान रह गया। घी के पैकेट में परंपरा सोयाबीन का रिफाइंड तेल बाहर निकला। इस पर उसने किराना स्टोर मालिक की शिकायत की। किराना स्टोर मालिक ने अपने पास मौजूद दूसरा पैकेट खोला, उसमें भी रिफाइंड तेल ही निकला। स्टोर मालिक ने बताया कि उसने यह घी डेयरी के उड़ान डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा था। बड़ा सवाल यह है कि घी के नकली पैकेट से संबंधित फर्जी डिस्ट्रीब्यूटर को कहाँ से मिले। ऐसे में डिस्ट्रीब्यूटर की डेयरी में घुसपैठ होने की आशंका। वही जयपुर डेयरी के प्रवक्ता अनिल गौड़ ने बताया कि उड़ान डिस्ट्रीब्यूटर नामक कोई भी फॉर्म जयपुर की सरस डेयरी से नहीं जुड़ा है। बाजार में फर्जी विक्रेता सक्रिय है, ऐसे में उपभोक्ताओं को सावधान रहना चाहिए। फिल्म विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने 22 किलोमीटर लंबी पदयात्रा का शुभारंभ किया। विधायक रावत की पदयात्रा दिवेर क्षेत्र से शुरू हुई। इस दौरान जगह जगह पर विधायक को सापा पहनाकर स्वागत किया गया और समर्थन किया गया। दिवेर से सांगावास की ओर से रवाना हुई पदयात्रा का कारवा हर एक किलोमीटर दूर चलने के साथ ही बढ़ता गया। जैसे जैसे विधायक के कदम बढ़ते गए, आगे आने वाले गांव की महिला, युवा और ग्रामीणों का कारवा बढ़ता गया। विधायक ने जगह जगह आम सभाओं को संबोधित भी किया। विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि हाईवे को पूर्ण कराने को लेकर चाहे कितना भी पसीना बहाना पड़े, परंतु इन मोटों के सिलसिले को थमाने के लिए मैं संकल्पित हूँ। विधायक रावत ने केंद्र की भाजपा शासित सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार पिछले 6 सालों से है। केंद्र में बैठी सरकार यही ब्यावर घूमती राष्ट्रीय राजमार्ग को पूर्ण कराने और आए दिन यहां हो रहे हादसों में जो हो रहा है उनके प्रति गंभीर होती तो पिछले कार्यकाल में ही इस कार्य को पूर्ण करा चुकी होती। विधायक ने संबोधित सभा में खूनी सड़क पूर्ण करो, केंद्र सरकार की निंदा, नींद से जगो और विधायक तुम संघर्ष करो, मगरा आपके साथ है, ऐसे नारों से गुंजमान होता रहा। विधायक सुदर्शन सिंह रावत ब्यावर गोमती फोर लाइन पूर्ण कराने की मांग को लेकर निकाली जाने वाली पदयात्रा के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास के गांवों में निवास करने वाले लोगों को जैसे ही पता चला कि विधायक रावत आमजनों के हित के लिए पैदल यात्रा पर निकल रहे हैं, ग्रामीण मातृशक्ति युवा आदि अपने घरों से निकलकर विधायक के साथ कदम से कदम मिलाने लगे। इस दौरान अधूरे हाईवे के कारण प्रतिदिन हो रहे हादसों में जो लोगों की जान के प्रति खासा गुस्सा देखा गया। आमतौर पर लोग भले ही 2 कदम पैदल नहीं चलते, परंतु ब्यावर गोमती खूनी सड़क को पूर्ण कराने के लिए निकाली जा रही पदयात्रा में लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि पदयात्रा में हजारों ग्रामीण, कांग्रेस कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन और गणमान्य लोग भी शामिल रहे। विधायक का ग्रामीणों ने माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया। इस जनहित सराहनीय कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद और आभार प्रकट किया। इस स्थान पर यहाँ पे उपस्थित सभी भीम और देवगढ़ के सभी नागरिक, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, माताओं बहनों, आप लोगों के बीच में आज हम ये जो हाईवे बना हुआ है अधूरा, पिछले 7 साल से अधूरा है, उस हाईवे के संघर्ष के लिए, उसकी लड़ाई के लिए, केंद्र सरकार को जगाने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं। ये 5 साल से हाईवे अधूरा पड़ा है। इस हाईवे में हजारों की तादाद में मौतें हुई है और इन मौतों के कारण हमारे पूरे इलाके में बहुत गंभीर स्थिति है, माहौल बहुत खराब है। पिछले 1 महीने में तो यूँ कहें कि 30-32 मौतें हुई, तो इसलिए हम सबको सोचने मजबूर होना पड़ा कि केंद्र की सरकार जो चिट्ठी पत्री से नहीं जाग रही है और जो सरकार दिल्ली में बैठी है, उन लोगों को यहाँ के लोगों की आवाज़ नहीं पहुँची। इसलिए आपकी आवाज़ पहुँचाने के लिए हमने तय किया, निर्णय किया कि हम लोग गोमती से लेकर ब्यावर तक की पदयात्रा निकालेंगे और उस पदयात्रा में आज आपके आने लगे हुए पहुँचे हैं। आज 3रा दिन है पदयात्रा का। जब हम आज भीम पहुँच जाएंगे तो हमारे 70 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे आज, और आगे आने वाले 2
दो दिनों में 40-45 किलोमीटर हमारे किसी आदमी की एक्सीडेंट क्यों मिल रहा है, आगे निकलेगा और जहां जहां यात्रा जा रही है उसका भूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। आप सब लोग भी जितना अपनी तरफ से 2-5 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं 2-3 किलोमीटर चल के उसको अपना समर्थन दें ताकि दिल्ली में बैठे हुए लोगों की आवाज सुनाई दे आपकी और ये हाईवे के काम की जल्द से जल्द स्वीकृति हो और ये काम चालू हो। आप सभी लोगों का सहयोग है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ देता हूँ। और आप सब लोगों की हामेला की जो पंचायत बनी उसके भी आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब और हमारे पंचायत राज मंत्री सचिन पायलट साहब दोनों का आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने बहुत सालों पुरानी जो आपकी मांग थी उसको कांग्रेस की सरकार ने आकर के पूरा किया। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।